सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर देश को आज़ादी दिलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को जन्मदिन होता है। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई के घर इनका जन्म हुआ। आज़ादी में उनके अतुलनीय योगदान की वजह से उन्हें भारत के राष्ट्रपिता से संबोधित किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत में सत्याग्रह और अहिंसा का तरीका अपनाया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया। इसी बल पर उन्होंने भारत को 200 साल की गुलामी से आज़ादी दिलाई। रक्तहीन क्रांति से देश को आज़ादी दिलाने की वजह से उन्हें सारे भारतवर्ष में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में महात्मा गांधी को उनकी जयंती के दिन बहुत ही श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। उनके जन्मदिन को सारे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कहना उचित होगा कि गांधी जी वास्तव में लोकतंत्र का समर्थन करने वाले सबसे महान व्यक्ति थे। पूरी दुनिया उनकी दी हुई शिक्षाओं का पालन करती है। चाहे आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार लोगों के दिलों में हमेशा बसते रहेंगे।